तो दोस्तों आज हम जिस लोन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो ये वो ऐप तो इसको मैं ओपन कर लिया हूँ और मेरे को भी पता नहीं है यहाँ पे जो जो कुछ भी फंडामेंटल होती है यहाँ पे जो आप लोगों को लाइफ टेस्ट यहाँ पे तो यहाँ पे उधर की डियर कस्टमर दिस एक्सेस योर एलिजिबिलिटी एंड फीचर्स जो यहाँ पे आपको जो इसका मतलब है कि आपको जो कुछ भी परमिशन है आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा तो इसको फिलहाल के लिए मैं इसको अलाउ कर देता हूँ अलाउ और यहाँ पे करता हूँ अलाउ 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 अलाउ। तो यहाँ पे जो परमिशन यहाँ पे काफ़ी सारे परमिशन ले लिए जैसे कि BOSMS पे तो देखता हूँ यहाँ पे जो यहाँ पे उधर की अप्लाई फॉर लोन इन 3 सिंपल स्टेप तो इसको देखता हूँ कि सिंपल स्टेप क्या क्या होता है। तो सिंपली यहाँ पे जो अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई फ़ोन नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना होगा तो सिंपली यहाँ पे फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लेता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है तो इसको करता हूँ नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा आई थिंक OTP कुछ ही सेकंड के अंदर, तो इसको मैं OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे आ चुका है 8772, यह हो चुका है मेरा OTP। और यहाँ पे उधर के एक पासवर्ड क्रिएट करने की आप यहाँ इसको जो है स्किप भी कर सकते हो तो फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे उधर की सबमिट इन्फॉर्मेशन गेट क्रेडिट गेट मनी, तो यहाँ पे उधर की तो सब कुछ यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो इसको करता हूँ अप्लाई और यहाँ पे देखता हूँ कि कितना जो कुछ भी होता है क्या क्या होता है। तो भैया यहाँ पे आ गया है सबसे पहले अपना जो कुछ भी अपना जेंडर है आप लड़का लड़की जो कुछ भी हो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। बाद में आते हैं यहाँ पे इंटर एंड आपको जो जो पैन कार्ड नाम है उसको डाल दीजिएगा, फुल नाम यहाँ पे आपको डाल दीजिएगा। और डालने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम सब कुछ ऑप्शनल है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ सकते हो, एक ही जगह पे नाम डाल सकते हो। तो डेट ऑफ बर्थ जो कुछ भी आप इसको डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना होगा, तो ईमेल आईडी डालने के बाद ये सब जन नेक्स्ट कर दीजिएगा यानी कि क्लिक एलिजिबिलिटी पे कर दीजिएगा। मैं इसको करने के बाद आप लोगों को दिखा। तो भैया मेरे को यहाँ पे कर दिया है रिजेक्ट, तो यहाँ पे बता रहा कि भाई मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे क्या मतलब क्या गलती क्या किया मैंने, ओ यार मैंने गलती क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने एलिजिबल नहीं हूँ। यहाँ पे बता रहा कि यू कैन री अप्लाई इन 6 डेज यानी कि 7 दिन के बाद मेरे को री अप्लाई करना होगा। मतलब यार मतलब कुछ भी यार मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा है और यहाँ पे जो बैंक सपोर्ट के लिए यहाँ पे इसका जो कस्टमर केयर नंबर देखो तो यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर तो है ही, तो इसका जो फ़ोन नंबर तो मिल जाती है, ईमेल आईडी मिल जाती है, फेसबुक और यहाँ पे ट्विटर वगैरह है। लेकिन मेरे को रिजेक्ट करने का कारण तो बता दिया होता कि मेरा रिजेक्शन क्यों है, तो मतलब कुछ भी यार देखो आई थिंक यहाँ पे मेरा लोन हो सकता है, मिल भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे इसको किसी तरह की गारंटेड नहीं हो सकता। दोस्तों आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे आपको लोन लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर आपको मिल जाता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा यार। और इस बकवास के लिए वीडियो के लिए यार एक लाइक तो कर दो, बकवास हो ही गया तो एक लाइक कर दो यार। जो कुछ भी लाइफ टेस्ट होता है आप लोगों को बता दिया हूँ, तो जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी होता था मैं आप लोगों को बता दिया। दोस्तों फिलहाल के वीडियो को इतना ही, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। तो फिलहाल के लिए वीडियो को इतना ही दोस्तों, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।